माय गुडनेस, अभी तक सो रही है लेडी बोन। सीता उठ। उठती है तेरी तरह या फिर आज पिटता है मम्मी से? ओफो, यू नहीं मानेगी। भंकस की बच्ची, बहुत बाहर की हवा लग गई है तुझे, दिमाग खराब हो गया आजकल मूवी का। जरा उठ तो सही, उठ मैं बताती हूँ तुझे, चल बाहर। तेरी ये मजाक, बेशर्म मार मार के भैंस बना दूंगी। अरे जल्दी करो, हुआ क्या? अरे उसका मस्त मेरा हाथ तोड़ दिया और तू पूछते हुआ क्या? कौन आ गई? फिर कभी मेरी नींद खराब की तो तेरा खुलिया खराब कर दूंगी, समझी? समझ गई बेटी। बेटी अच्छा, आज से इस घर का खाना कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगी बेटी। और सुबह की चाय? वो मैं बना दिया करूंगा, जब तू नहीं थी तो चाय मैं ही बना करता था। अच्छा, तो सुबह सुबह उठ के आप चाय बनाते थे और ये भैंस चादर तान के सोती थी। सुन ले मोटी, चाय भी तू ही बनाएगी। बनाऊंगी। शाबाश। अब ऐसा कर, जल्दी से जा और मेरे लिए एक स्पेशल चाय बना के ला, एकदम कड़क। लाती हूँ जी। मम्मी मेरे लिए भी चाय कड़ा। चुप है आप, आवाज ऊंची की तो पड़ेगा लाफा। चल इसके लिए भी चाय बना के ला, जल्दी। लाती हूँ जी। कौशल्या, हाँ जी, रास्ता दिखा दूं तुम्हें रसोई घर का? इधर आ। मैं? हाँ तू। जी की बच्ची, ये टेबल इतना गंदा क्यों है? हाँ? क्या कल से रोज सुबह जल्दी उठेगी और सारे घर की सफाई तू करेगी, समझी? दीदी चल चल हो जा। शाबाश। बेटी मैंने तो सुना था कुत्ते की तुम 12 साल भी सीधी नहीं होती, लेकिन आज ये सब। चाचा जी, तुम पर कभी जोर से झटका दिया होता तो तुम तो क्या भी सीधी हो जाती है। क्या फिल्म है उस्ताद, अपना तो पैसा वसूल हो गया। अभी क्या होता है उस्ताद, हीरो अपना बाप से बोलता है ना मुझे तखत मांगता है ना ताज मांगता है, सिर्फ हीरोइन से शादी करने का है, खलास। अरे बड़ा धांसू फिल्म है, किधर लगेला है? अरे इधर ताज टॉकीज में लगेला है, अपन भी देखेगा। हाँ, अभी क्या होता है उस्ताद, बादशाह एकदम हलकट है, अपनी हीरोइन जो होती है ना उसको जेल खाने में। अरे ओ लीला मौसी की लाडली, ये सर पे पल्लू, हाथ में थाली, किधर जा रहे लिए? मंदिर। मंदिर? अरे तू और मंदिर? मंदिर जा रही है? आप भी चले ना मंदिर। मैं और मंदिर? अरे मुझे क्या लेना है भगवान से, तू जा, अपने पास टाइम नहीं है। दुनिया वालों का तमाशा दिखाने का टाइम है, और वो भगवान जिसके सामने ये दुनिया तमाशा है उसके लिए टाइम नहीं, थोड़ा सा भी नहीं। देख तू मेरे साथ ये उल्टी सीधी बातें मत किया कर, अपन ठहरे मदारी आदमी। भगवान भी तो एक मदारी है, बहुत बड़ा मदारी। तुम हवा में 3 गोले एक साथ उछालते हो, लेकिन उसके फेंके हुए लाखों करोड़ों गोले कब से आसमान में घूम रहे हैं। तुम अपनी मुट्ठी में 54 छुपाते हो और खोलते हो तो 58 निकलती है, लेकिन भगवान जब अपनी मुट्ठी में चांद को छुपाता है तो सूरज निकलता है ना? सरस क्या बात करती है, मेरी मान तो तू इस बार इलेक्शन में खड़ी हो जा। क्यों उस्ताद? अच्छा मैं जाती हूँ,
अरे तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ। इसमें हैरत की क्या आवाज है? नहीं नहीं वो तुम अचानक आ गए ना तो। तुम अचानक चली जाती हो, हम अचानक चले आते हैं, अपनी अपनी आदत है। बैठो। बैठ जाए। हाँ हाँ बैठो ना। क्या पियोगे? समझदार आदमी सिवाय पानी के और कुछ नहीं पीते, इसलिए तकलीफ की कोई बात नहीं। पहले ये बताओ घर में कोई है? क्यों हम कोई नहीं? आप तो कोई हैं ही, लेकिन आज हमें सिर्फ कोई से नहीं, कोई के चाचा से भी मिलना है। चाचा जैसे? उनसे क्या काम है? है कोई काम। लेकिन क्या? अब तुम्हें बताने की बात नहीं। अरे हाँ ये लो। इसमें क्या है? इसमें। अरे रवि नमस्ते। चाचा जी। जी करो बेटे, कहो कैसे हो? बस ठीक अभी आई। बैठो रवि। चाचा जी दरअसल बात यह है कि मुझे यहाँ मम्मी डैडी ने भेजा है। हो अच्छा अच्छा। चाचा जी मुझे सिर्फ इतना कहना है, हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझ लिया, और अगर आपको ये रिश्ता मंजूर है तो मैं इसे अपनी खुशकिस्मती समझूंगा। सभी खुशकिस्मती तो हमारी होगी बेटे, अगर सीता को तुम्हारे जैसा लड़का मिले। मैं तुम्हारे डैडी को खत लिखकर शादी की तारीख तय कर लूंगा। ये क्या तुम्हारी आंखों में आंसू? कुछ नहीं यूं ही आ गए। तुम खुश नहीं? बहुत खुश हूँ, इतने कि इस खुशी से डर लगता है। डर? डर किस बात का? रवि तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। मैं एक बात जरूर जानता हूँ, तुम जो भी हो थोड़ी सी पागल जरूर। ज्यादा नहीं थोड़ी सी। देखिए मैम साहब अब की संडे को मैं फ्री हूँ, आप मेरे साथ चल रही हैं। लेकिन रवि। हाँ यार ना रवि तुम सीता।